अस्सलामु अलैकुम क्लास 3 नेशनल ग्रामर स्कूल सेकेंडरी। आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे साइंस का, जिसका तमाम काम आपको 16 जुलाई को स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा और 20 जुलाई को आपको स्कूल में सबमिट करवाना है। वो तमाम काम स्कूल की कॉपी में करना है। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 है लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखें। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, इस तस्वीर में क्या नज़र आया। डू यू सी लिविंग थिंग्स, क्या आपको जानदार चीज़ें नज़र आई। इफ़ यस गिव देयर नेम्स। डू यू सी नॉन लिविंग थिंग्स, आपको बेजान चीज़ों के नाम बताने हैं। इफ़ यस गिव देयर नेम्स, You can see animals, humans, human beings, plants, hills, stone, wood, board, water, etc. In above picture. पिक्चर के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इंसान हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, कश्ती है, समझे, पहाड़ हैं, सब कुछ है। Some of them are living things. For example, animals, human beings. Animals जो होते हैं वो human beings होते हैं। And plants are living things. प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। अदर आर नॉन लिविंग थिंग, और उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हिल यानी कि पहाड़ियाँ जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, स्टोन्स यानी कि पत्थर भी, वुड लकड़ी, बोट कश्ती, वाटर पानी और वगैरह वगैरह आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स नीड्स एयर, वाटर, फूड एंड लाइट, जो जानदार चीज़ें होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है हवा की, पानी की, गज़ा खुराक की, ऊर्जा की और लाइट की। बट नॉन लिविंग थिंग्स नीड नो एयर, वाटर, फूड एंड लाइट, जो बेजान चीज़ होती हैं उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना वो उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, ना ही उन्हें हवा की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बेजान होती हैं। एक्टिविटी, विजिट अ ज़ू इन योर सिटी, अपने शहर के किसी भी ज़ू का आप ज़ू में आप जा सकते हैं, वहाँ का विज़िट करें। ऑब्जॉर्व द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और वहाँ पर देखेंगे कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन देम एज मैनी एज यू कैन राइट, और उनमें डिफरेंस मालूम करके लिखें। लिविंग थिंग्स नीड, जानदारों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर, फूड एंड लाइट। बट नॉट लिविंग थिंग्स, गैर जानदारों, बेजान चीज़ों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उन्हें। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स बॉडी, एज यू नाउ दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, जो पौधे होते हैं वो भी जानवरों और इंसानों की तरह ही होते हैं। जो कि प्लांट्स ग्रो एंड नीड फूड, प्लांट बड़ा होता है और हमें फूड देता है, हमें फूड ग़ज़ा की ज़रूरत होती है उसे भी। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो सांस लेते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट, पौधे जो होते हैं वो नए पौधे बनाते हैं। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म योर वर्क। प्लांट कुछ जिससे ऐसे भी होते हैं जो इंसानों से मिलते हैं। एक्टिविटी, टेक अ बेल्सम प्लांट और एनी अदर लोकल प्लांट एंड स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। टीचर शुड डेमोंस्ट्रेट द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी मेजर पार्ट ऑफ अ प्लांट, आपको प्लांट के जो हिस्से हैं उनको मेजर करना है। देखें यहाँ दिए हुए हैं। पॉइंट आउट द नेम्स ऑफ दिस पार्ट, लीफ, बर्ड्स, फ्लावर, शूट, फ्रूट, ब्रांचेस, स्टीम, रूट, स्टेम, रूट, पार्ट ऑफ अ बेल्सम प्लांट, ये सब क्या है, बेल्सम प्लांट। मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव टू पार्ट्स, रूट एंड शूट, दिस आर ऑल्सो नाउ एज रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट ग्रो अंडर द ग्राउंड, रूट सिस्टम जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। एंड शूट इज द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो होता है ज़मीन के ऊपर होता है, ग्राउंड पर।
Shoot has a stem, branches, leaves, flower, buds and fruits with seeds inside them. Root system, branches and leaves are called vegetables. Parts with flower are called reproductive parts of the plant. जो root system होता है उसमें उसके जो branches होती हैं वो पत्ते, सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह बनाती हैं, पैदा करती हैं और नए पौधे भी. Fibrous root, when a number of root grow from the end of the stem, it is called fibrous root. Grass, water, rice and onion are some examples such plants that have fibrous root. Functions of root. Root fix the plant in the soil. Root take water and mineral salt for the plant from the soil. Root take water and mineral salt from the soil with the help of roots. Some roots like carrot, turnip and beetroot are thick and tall because extra food is stored in them. Thus, some roots have one more function to perform. They store food within themselves. The scheme of neem tree margosa is hard, strong and woody. It keeps the tree upright. A banana tree has soft and green. Banana tree होता है वो बहुत नरम और बिल्कुल green होता है. Them and it holds the plant need plants and bears leaves and buds. The stem of money plant is soft, green and weak. It cannot hold the plant upright but it bears the leaves and buds. Such plants climb with the help of support and are now as climbers like money plants, grape plant, cucumber वगैरह वगैरह. Thus we can say that different plants have different types of stem. Some plants have strong, hard and woody. कुछ प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं. Some plants may have soft and green stem. Some other plants may have weak stem. Function of stem. Stem is to carry water to the leaves. The water absorbed by the roots travels through the stem to the leaves. Similar, the food which is made by the leaf is carried by the stem to the different part of the plant. The edges figure show how the water and food travel up and down through the stem. Sometimes extra food is stored inside the stem. कुछ टाइम दफ़ा ऐसा होता है कि पौधे जो होते हैं अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड जमा कर लेते हैं. द स्टेम फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन, पोटैटो एंड जिंजर आर कम एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. आलू और अदरक जो है वो जमीन के अंदर पैदा होती है जड़ के साथ. स्टोर फूड ये अपने अंदर ये सब चीज़ें जमा करके रखती है. Draw and color the diagram of simple leaf and. तो कहा गया है कि आपको डायग्राम बनानी है सिंपल लीव की. Label its parts. Water and minerals, carbon dioxide, sunlight. सारे सब नाम आपको मेंशन करने. Function of a leaf. A green leaf makes food the plant. It is sometimes called the kitchen of the plants. Green plants make their own food by the process of photosynthesis. It is the process of
manufacturing plants, food from carbon dioxide and water. In the formula H2O, in the presence of sunlight and chlorophyll is the green substance in leaves which help in trapping energy from sunlight. Simple and compound leaves. There are two types of leaves. ये सिंपल और कंपाउंड लीव होते हैं जो आम से नज़र भी आते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड सिंपल लीव्स एंड अदर इज कॉल्ड कंपाउंड लीव्स. व्हेन लीव स्टॉक बियर्स ओनली वन लीव इट इज कॉल्ड अ सिंपल लीव. यह सिंपल लीव. व्हेन अ सिंगल लीव स्टॉक बियर्स टू और मोर स्मॉल लीव इट कैन. ये वो उसमें जब मेरे साथ दो चार पत्तों को साथ लेकर आते हैं. Importance of leaves in daily life. Leaves play a very important role in our daily life. पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए. Because we use some of the leaves as food. For example, spinach, onion, leaf, cabbage, mint वगैरह वगैरह are used as food. Do you know some other names of leaves which are used as food? Please write them in your notebook on the chalkboard. The flower. ये flowers हैं. The flower is the most beautiful part of a plant. Flowers होते हैं वो बहुत खूबसूरत हिस्सा होता है पौधों का. It is now as reproductive part of a plant. ये reproductive part होता है पौधों का. Flower attract human as well as insect. Flower also have different size, shapes and color. A flower grow from tiny buds. Flowers जो होते हैं attract करते हैं लोगों को अपनी तरफ, जान परिंदों को, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ वो करते हैं. जैसे कि आपने तो देखा होगा हनी भी जो होती है वो भी फ्लावर पे बैठती है, लोग तोड़ भी लेते हैं. इस तरह से जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी फूलों को बहुत पसंद करते हैं. इट अ फ्लावर हैज टू प्रोड्यूस रूट्स एंड सीड्स pollen grain. The yellow powder from one flower has to be carried to another flower. This is done by insects, wind and water. Parts of a flower. ये देखिए आपको जो है ये स्ट्रक्चर है, इसका स्टेगमा है, स्टाइल है, ओवरी है, इस तरह से सब ये आपको नाम दिए हैं, बकायदा बनाकर दिखाया है. Parts of a flower. The flower consists on sepals and is attached by a stalk called pedicel. The petals and cells are non-reproductive parts of a flower. The reproductive parts of the flower are stamen and carpels. Stamen and carpels are now as reproductive parts of the flower. And last, flowering and non-flowering plants. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर फूल उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर फूल नहीं होते, सिर्फ पत्ते ही होते हैं. Plants are of different types. Most of the plants which have flower are called flowering plants. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन पर सिर्फ लीव्स होते हैं, फ्लावर्स नहीं आते. और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन पर फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं. गावा देयर एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, पपाया ट्री, बनाना प्लांट्स वगैरह वगैरह सब ट्रीज जो हैं इन पर फूल आते हैं. आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर प्लांट्स. सम ऑफ द प्लांट्स survive without flowers. Such plants are now as non-flower plants. Algae and fern and are example for of non-flowering plants. Have proper roots and stem. Similarly
pines also have root and stem like flower plants. ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद क्या नाम है, तमाम काम आप 16 जुलाई को आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 20 जुलाई को आपको स्कूल में सबमिट करवाना है। स्कूल की कॉपी में तमाम काम करना है। अल्लाह हाफिज़।